आज हम करेंगे 10वीं क्लास का ज्योग्राफी का लेसन 5th खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली वस्तु के बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? आपने पढ़ा है कि भूपरपटी क्या होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही वे धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य अंग हैं। लगभग हर रोज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों में धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। दंत मंजन आपके दांत साफ करता है। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है कहाँ से प्राप्त होता है, कुछ खनिज से प्राप्त होता है, फ्लोराइड। ठीक है, अगला है, अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि ज्यूस्टाइल, इल्मिनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। कुंच दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। मतलब दांतों को चमक कौन प्रदान करता है? जो टूथपेस्ट में होता है अभ्रक। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। अब ये बताइए कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब अगला, खनिज क्या हैं? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? मतलब इतनी विविधता क्यों है खनिजों में? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों के में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक खनिज अलग हैं और अधात्विक अलग हैं। जैसे धात्विक खनिज भी अलग कई प्रकार के हैं, जैसे धातु लोह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहो, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। ठीक है, और अधात्विक खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, ये है धात्विक। अधात्विक खनिज में अभ्रक है, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जो हैं, ऊर्जा जिनसे प्राप्त होती है हमें, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अवयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। अगला है खनिज। खनिज प्राय संरचना हेतु
अयस्क का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण में संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मूल्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है। खनिज जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं, खनिज प्राय निम्न शैल समूहों में प्राय प्राप्त होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहला है, आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में भी वृद्ध जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उम्र उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। वो मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इस तरह शिराओं में जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबे अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा में दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी जैसे खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम समृद्ध हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तीसरा है, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेजर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल से भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विकसित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रभावित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी हैं। रेट होल खनन क्या होता है कि कोयले का खनन जो जिसमें परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे कहते हैं रेट होल खनन। भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोह अयस्क, चूना, पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है। अब है लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़, मतलब उद्योगों का विकास किसके आधार पर होता है? खनिजों के आधार पर। भारत में लोह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोह अंशयुक्त लोह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50-60% तक ही पाया जाता है। बाकी हम अगला चैप्टर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, उनको अपनी कॉपी पर करने हैं।